है सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी। ये लाइन एकदम फिट बैठती है मिर्जापुर की सानिया मिर्जा पर, जो कि भारतीय वायुसेना की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनने जा रही है। सानिया ने एनडीए की परीक्षा में 148वीं रैंक हासिल की है। सानिया देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के छोटे से गाँव जसोवर की रहने वाली है। प्रदेश की पहली महिला पायलट के लिए सानिया मिर्जा चुनी गई है। हिंदी मीडियम से पढ़ाई करने वाली सानिया ने कहा कि हिंदी मीडियम वाले भी मुकाम पा सकते हैं, बस इरादा पक्का होना चाहिए। नमस्ते, मैं हूं ऋषभ और आप हैं मंच पर। देखिए, अगर आप इसकी बात करेंगे तो मुझे इसकी बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि खुशी इसलिए है कि मैं हमेशा से चाहती थी कि लोगों को मोटिवेट कर सकूं। जो यहाँ की स्पेशली गर्ल कम्युनिटी है सोसाइटी की, उसको मैं हमेशा से चाहती थी कि हाँ, लड़कियाँ जो है वो पढ़े लिखे। जैसा कि हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि लड़कियों के जो पेरेंट्स होते हैं अपना सारा पैसा उनकी डाउरी में लगा के उनकी आगे चल के मैरिज कर देते हैं। यहाँ लड़कियाँ हैं जो बहुत कम लड़कियाँ हैं जो बीएससी करती हैं, बीटेक कर रही हैं, जनरल लड़कियाँ ट्वेल्थ करती हैं, बीए करती हैं, दैट इज इट। सुना आपने सानिया की सोच को, वो गर्ल्स कम्युनिटी को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। सानिया मिर्जा देश की दूसरी ऐसी होनहार लड़की हैं जिन्हें फाइटर पायलट के तौर पर चुना गया है। सानिया इस परीक्षा में पहली बार पास नहीं हो पाई तो दोबारा परीक्षा दी। सानिया ने कहा कि वह हमेशा से फाइटर पायलट बनना चाहती थी। सानिया की प्रेरणा स्रोत देश की पहली महिला पायलट अवनी चतुर्वेदी है, वो शुरू से ही उनके जैसा बनना चाहती थी। अपनी प्रतिभा और जुनून के बल पर टीवी मैकेनिक की बेटी ने जिला ही नहीं प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। अपनी प्राइमरी एजुकेशन जो है अर्ली एजुकेशन वो अपने गांव से की है, जहां से मैं बिलोंग करती हूं। मैं बिलोंग करती हूं जसोर मिर्जापुर से, और वहां से मैंने अपने पहले से लेकर 10वीं तक की प्रारंभिक शिक्षा कम्प्लीट की है। उसके बाद मेरे स्कूल का नाम था पंडित चिंतामणि दुबे इंटर कॉलेज। उसके बाद मैं सिटी की तरफ शिफ्ट हुई, और जहाँ पे मैंने गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज से अपनी 12th की एजुकेशन कंप्लीट की है, और यूपी बोर्ड में 12th से मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर रही हूँ यूपी बोर्ड में। और उसके बाद मैंने जब अवनी चतुर्वेदी से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, जो कि हमारे देश की पहली फाइटर पायलट है, लेकिन फाइटर पायलट महिलाओं में संख्या काफ़ी कम है, जिसकी वजह से मुझे इंस्पिरेशन था कि मैं जो है भविष्य में फाइटर पायलट बनना चाहती हूँ। सानिया ने प्राइमरी से लेकर 10वीं तक की पढ़ाई गांव के ही पंडित चिंतामणि दुबे इंटर कॉलेज से की। इसके बाद सानिया ने मिर्जापुर के गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज से 12वीं की परीक्षा पास की है और यूपी 12वीं बोर्ड में डिस्ट्रिक्ट टॉपर रही हैं। 10 अप्रैल को वो एनडीए परीक्षा 2022 के लिए बैठी थी। एग्जाम क्लियर करने के बाद वो अपने इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए अकेडमी में शामिल हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक सानिया 27 दिसंबर 2022 को पुणे में एनडीए खड़कवासला में शामिल होंगी। पेशे से टीवी मैकेनिक सानिया के पिता साहिद अली ने कहा, सानिया मिर्जा देश की पहली फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी को अपना आदर्श मानती हैं। वह शुरू से ही उनके जैसा बनना चाहती थी। सानिया देश की दूसरी ऐसी लड़की हैं जिसे फाइटर पायलट के तौर पर चुना गया है। हाँ, बहुत खुशी है, और हमारे जिले में उसने नाम किया, और एज ए फाइटर पायलट जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि दो ही सीट है भारत में ऑल इंडिया, तो यूपी में भी उसका नाम है, मुझे खुशी है। कैसे कैसे यहाँ तक पहुँची, क्या सफ़र रहा, वो आप करते क्या हैं? हम टीवी मैकेनिक हैं और एलसीडी टीवी का काम करते हैं, और बच्चे के कामयाबी के लिए उसकी मेहनत को देखते हुए मुझे जितने भी हार्ड वर्क करने पड़े, काम करने पड़े, 16 घंटा 14 घंटा मैंने काम किया। देश सेवा के लिए अब जा रही है, क्या शुरू से ही इसका ख्वाब था? नहीं, इसका ख्वाब शुरू से बच्चों को नहीं, जैसे जैसे इनका ज्ञान का विकास होता गया तो जब इन्होंने धीरे धीरे जब देखा कि मतलब अवनी चतुर्वेदी को, तो उससे ये जो है मॉडिफाइड हुई, और फिर इन्होंने इस पर चलना कहा कि मैं भी इस पर चल के दिखाऊंगी, तो फिर इनके साथ लगे। वहीं सानिया की माँ तबस्सुम मिर्जा ने कहा, हमारी बेटी ने हमें और पूरे गाँव को गौरवान्वित किया है। उसने फाइटर पायलट बनने का सपना पूरा कर अपने गांव की हर लड़कियों को प्रेरित किया है। ये तो हम बता नहीं सकते कि हमें इतनी खुशी हो रही है कि हमारी बच्ची ने इस विलेज का और इस माँ का इतना बड़ा मान रखा, सम्मान रखा, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। कभी हम लोग भी पढ़ते थे, हम लोग कभी ये सब नहीं कर पाए, पर हमारी बच्ची ने हमारा वो सब कुछ, हमारा मान सम्मान, सपना, सब कुछ पूरा कर दिया। हम ये बता नहीं सकते, हमारे पास अल्फाज नहीं है। हमारी बच्ची ने अपनी माँ का इज्जत रख लिया, अपनी माँ को वो हर एक चीज़ से, हमारी बच्ची ने हर एक चीज़ से बचा लिया, और साथ ही साथ एक लेडीज़ एक गर्ल हर लोगों को ये
अपना शिक्षा दे दिया कि हाँ, एक गांव की बच्ची, ऐसे घर की बच्ची, ऐसे परिवार की बच्ची, जहाँ जिस बच्ची को कोई भी नहीं जानता इस गांव से, उसने इतना बड़ा काम किया। भगवान उसे हर भला से बचाए और इसी तरह अपना नाम रोशन करे, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करे। कितनी कठिनाइयाँ हुई पढ़ाने में, क्या क्या समस्याएं आईं, कुछ ऐसी समस्याएं आईं जो कुछ या कुछ लोगों ने कुछ कहा, कितनी कठिनाइयाँ आई? अब कठिनाई को हम क्या कह सकते हैं, कठिनाई तो आती ही है, पर जब अच्छा कुछ हो जाता है तो कठिनाई इंसान भूल जाता है, पीछे छोड़ देता है। हम भी बस इसी तरह पीछे सब छोड़ देंगे, क्योंकि हमारी बच्ची जब वो कर ले गई और आगे भी सब कुछ वो अपना करे, वो अच्छे से सब कुछ फाइटर अफसर बने, सब कुछ कर ले जाए, यही हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और हमारी बच्ची के लिए। और जो कठिनाई हुई उसके बारे में हम क्या कहें। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही और वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।